बायोटेक या फिर बायोटेक्नोलॉजी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो ओल्ड बायोटेक है और दूसरा न्यू बायोटेक है। ओके, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को बोला जाता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है, मिल्क से कर्ड बनाता। आप सभी को पता है कि कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करने में हेल्प करता है। तो एक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड ट्रेडिशनल मेथड कहलाता है। इसके अलावे सीरियल्स या फिर फ्रूट जूस से अल्कोहल बनता है, तो इसमें एक ईस्ट होता है, सेकेरोमाइस सेरेबिसिया। सेकेरोमाइस सेरेबिसिया ये ईस्ट फ्रूट जूस या फिर सीरियल्स या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो ब्रेड कहाँ से बनाते हैं, डव से, आटा से। आटा के फर्मेंटेशन में सेकेरोमाइस सेरेबिसिया ईस्ट हेल्प करता है, तो इस डव से हम लोग ब्रेड बनाते हैं। इसी तरह और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, जैसे इडली डोसा, इन सबके डव का फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो ये सभी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर न्यू बायोटेक्नोलॉजी। न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी को डेवलप करने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ जीन, नए जीन बनाते हैं और इसका यूज करते हैं, ये नए बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। फिर कोई जीन डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव जीन का करेक्शन करना, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन, दैट इज न्यू बायोटेक्नोलॉजी। वैक्सीन डेवलप करना, वैक्सीन डीएनए वैक्सीन डेवलप करना, एंटीबायोटिक्स डेवलप करना, दीज आर इंक्लूडेड इन न्यू बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, जीएमओ का यूज किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म के जीन को ही चेंज कर दिया जाता है, तो उसका जेनेटिक ही क्या हो गया, चेंज हो गया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक चेंज हो जाए उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल व्हिच इज यूजफुल टू ह्यूमन। ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके यदि हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है, ऐसे बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है EFB। EFB ओल्ड व्यू और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल व्यू दोनों को इंक्लूड करके एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक का। तो EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक का डेफिनेशन क्या है, EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स पेयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म दोनों को मिला दिया गया है और ऑर्गेनिज्म से जो प्रोडक्ट आता है, सर्विसेज आता है, उन सभी को मिला के बायोटेक बोला जाता है अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बायोटेक का दो मेथड हो गया, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न बायोटेक। ओके, और दोनों के व्यू को मिला के EFB ने एक अपना स्टैंडर्ड डेफिनेशन बायोटेक का तैयार किया। ओके, तो बायोटेक में फाइनली हम लोग
सबयूनिट का यूज करते हैं टू मेक प्रोडक्ट विच इज यूजफुल टू ह्यूमन। ओके, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ओके, ये सारी चीज बनाया जाता है। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो कोर प्रिंसिपल्स हैं, दो कोर टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा टेक्निक है केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर इसे केमिकल इंजीनियरिंग को ही बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। अब हम लोग को देखना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें क्या होता है और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है। पहले आ जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कोई भी डीएनए ले लीजिए, कोई भी डीएनए, ओके, एक डीएनए ले लिया। अब इस डीएनए के केमिस्ट्री को चेंज करना है, इस डीएनए के प्रॉपर्टी को चेंज करना है, ओके, तो इस डीएनए के प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए इस डीएनए को चेंज करना होगा, ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहीं से भी इस डीएनए को कट कर देंगे, मान लीजिए इतना पार्ट कट कर दिए। अब इस जगह पे हम लोग जिस जीन की चाहत है हम लोगों को, जो जीन हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, जो कैरेक्टर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं, उस कैरेक्टर वाले जीन को यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे, ओके, तो इस तरह की क्या हुआ कि डीएनए का केमिस्ट्री चेंज हो गया, मतलब डीएनए में हम कोई न्यू डीएनए आके ऐड कर दिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिए, ओके, तो केमिस्ट्री ऑफ डीएनए विल चेंज, ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस डीएनए को हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के बाद ये डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप करेगा और डेवलप करके अपना कॉपी बनाएगा, ओके, तो डीएनए के बहुत सारे कॉपी बनाने को, होस्ट सेल के अंदर डीएनए के बहुत सारे कॉपी बनाने को जीन क्लोनिंग बोला जाता है, ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अंतर्गत क्या किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज किया जाता है, चेंज करने के बाद उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है। जैसे ही होस्ट ऑर्गेनिज्म में अल्टर डीएनए को डालेंगे तो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है दैट विल बी चेंज। क्यों चेंज होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप, ड्यू टू द चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू इंट्रोड्यूस दिस इनटू होस्ट सेल द चेंज द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम लोग तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रोसेस हो रहा है, सबसे पहले इस डीएनए में इसके कुछ पार्ट्स को डालना, इतना पार्ट को इसमें डालना है इस डीएनए में, तो क्या करेंगे इस डीएनए को इतना पार्ट को कट करेंगे, इस डीएनए कितना पार्ट को कट किए और कट करने के बाद इस डीएनए कितना पार्ट को यहाँ पे डालेंगे, ओके, तो हमारा जो डीएनए बना ये नया डीएनए बन गया, ओके, ये हमारा न्यू डीएनए बन गया, यहाँ पे न्यू डीएनए का पार्ट आ गया। इसको हम लोग बोलेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके, क्योंकि अब इसमें हम जिस जीन को डेवलप करना चाह रहे हैं वो जीन इस डीएनए में आगे आ रहा है, ओके, तो इसलिए इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला स्टेप होता है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाला जाता है। होस्ट सेल में क्यों डालते हैं, ताकि ये अपना कॉपी बना सके, जिस डीएनए को हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं वो डीएनए अपना कॉपी बना सके, इसलिए इसको हम लोग होस्ट सेल में डालते हैं। तो इसको होस्ट सेल में डालना मतलब क्या हो गया, जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर करने के बाद हम लोग क्या किए, इसका कॉपी बनाए, बहुत सारा कॉपी बनाएंगे, तो कॉपी बनाना हो गया जीन क्लोनिंग, कॉपी बनाना क्या हो गया जीन क्लोनिंग, तो ये आ रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, अंडरस्टूड। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग को केमिकल इंजीनियरिंग देखना है,
या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है या फिर केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? हम जो डीएनए को डेवलप करना चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो डीएनए को डेवलप करेगा नहीं, लेकिन उसके साथ साथ वैसा भी जीन डेवलप कर जाएगा जिसे हम डेवलप नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, उसके साथ कुछ अनवांटेड मटेरियल्स भी डेवलप कर जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अनवांटेड मटेरियल डेवलप ना करे इसके लिए हमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन डेवलप करना होगा, मतलब स्टेराइल कंडीशन डेवलप करना होगा। कौन सा कंडीशन डेवलप करना होगा? स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मीन्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब वहां पे दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी डेवलप ना करे। ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन, स्टेराइल कंडीशन को हम लोग क्यों मेंटेन कर रहे हैं? टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स इत्यादि। हम लोग चाह रहे हैं कि कोई एंजाइम्स बने या फिर कोई वैक्सीन्स बने, तो कोई भी वैक्सीन्स डेवलप करने के लिए, कोई भी एंजाइम्स डेवलप करने के लिए, कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अपने अकॉर्डिंग डेवलप करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डेवलप करना होगा, उसी तरह के सेल्स को ही डेवलप करना होगा, और उस तरह के सेल्स को डेवलप करने के लिए हमें स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करना होगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। अंडरस्टूड? तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रो और यूकैरियोटिक सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे डेवलप हुआ। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेज है, बहुत ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी को पता है क्या एडवांटेज है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंजर्व करता है, प्रिजर्व करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा हम लोग वेरिएशन मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन होता है, और कभी कभी ऐसे वेरिएशन हो जाता है कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन को देता है, और ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है या फिर पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ओके, हाँ, पहले के जमाने में ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करवाया जाता था या फिर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता था, और ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्लांट और एनिमल्स में करवाया जाता था डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डिजायर्ड प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होता था, साथ ही साथ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम केवल डिजायरेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के लिमिटेशन को दूर किया। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। ओके, तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ओके, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के एस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए। अभी हम लोग एंटीबायोटिक्स बना पाते हैं, वैक्सीन बना पाते हैं, एंजाइम्स बना पाते हैं। ओके, जैसे अभी बहुत सारे डिजीज हैं, द
डायबिटीज, उसका इंसुलिन बना पाते हैं, दे आर पॉसिबल ड्यू टू द ओनली जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ही पॉसिबल है। ओके, एक चीज देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेन डीएनए के बेस को किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो सोचिए यदि कोई भी फॉरेन डीएनए को यूं ही किसी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या फॉरेन डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, रेप्लिकेशन करेगा? नहीं करेगा। तो फिर कैसे डेवलप करेगा? यदि किसी ऑर्गेनिज्म में फॉरेन डीएनए को डेवलप करना है तो उसको डेवलप करने के लिए हमें उसके क्रोमोजोम का पार्ट बनाना होगा। मतलब जैसे इसको प्रॉपर्ली समझिए, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक क्रोमोजोम है या डीएनए है। ओके, इसमें हम लोगों को कोई डीएनए डालना है, मान लीजिए वाला डीएनए इसमें डालना है। इस डीएनए को यदि इस ऑर्गेनिज्म में डाल दे तो क्या ये डीएनए डेवलप कर जाएगा, इस ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लाई करेगा? नहीं करेगा। ओके, लेकिन यदि हम इस डीएनए को इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में जोड़ दें, लिंक कर दें, तो फिर ये डीएनए इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए की तरह ही डेवलप करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और अपना कॉपी बनाएगा। ओके, बाय लिंकिंग द फॉरेन डीएनए टू द डीएनए ऑफ रेसिपिएंट जीनोम वी कैन प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो इस तरह से इसको हमें लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस का यूज करना होगा। ओके, तो अब हम लोग को देखना है कि सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना होगा। ओके, और कौन बनाए होंगे? देखिए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, दो चीजें चाहिए होगा। पहले तो डीएनए को कट करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, और आप सभी को पता है कि डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसका यूज करके हम लोग डीएनए को कट करते हैं। ठीक है, मान लिए डीएनए को कट कर दिए, लेकिन अब जोड़ने वाला भी एंजाइम चाहिए, तो जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हैं, डीएनए लाइगेज दो डीएनए सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल तभी है जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो और डीएनए लाइगेज हो। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी बोला जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये काटने का काम करता है, डीएनए को कट करने का काम करता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ओके, और जो डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू बोला जाता है। ग्लू मीन्स क्या होता है? जोड़ने वाला। ओके, ग्लू जोड़ने का काम करता है, दो पेपर को जोड़ना है तो हम लोग ग्लू यूज करते हैं। उसी तरह दो डीएनए को जोड़ना है तो दो डीएनए को जोड़ने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसका यूज करते हैं, बायोटेक में किसका यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज का। इसलिए डीएनए लाइगेज को बोला जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम की डिस्कवरी के बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पॉसिबल हो सका। ओके, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए सबसे पहले जानने कौन बनाए थे? हर्बर्ट बोयर ने, वो तो स्टैनली कोहेन, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ओके, स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। ओके, तो कैसे बनाए थे? तो इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन उसको आइसोलेट किया,
एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया और फिर साल्मोनेला टाइपिमीडियम का प्लाज्मिड को निकाला। अब आप कहेंगे सर प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। इसके अलावा जो है सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा प्लाज्मिड होता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए, ओके। तो प्लाज्मिड क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब बैक्टीरिया में क्या होता है कि क्रोमोसोम तो होते ही हैं, क्रोमोसोम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है जो कि सर्कुलर होता है और वो अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो मेन डीएनए पर, जेनेटिक डीएनए पर निर्भर नहीं होता है रेप्लिकेशन के लिए, ओके। तो इसको बोला जाता है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग डीएनए और ये सर्कुलर डीएनए होता है, इसी को बोला जाता है प्लाज्मिड, ओके। तो हर्बर्ट बॉयर ने साल्मोनेला टाइपिमीडियम के प्लाज्मिड को निकाला और एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को निकाला, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइपिमीडियम के प्लाज्मिड से जोड़ लिया। तो इस तरह से सबसे पहला हर्बर्ट बॉयर स्टैनली कोमैन 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डेवलप किया था।